ये करा रहा हूं, देखिए हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर पॉसिबल यूजिंग डिजिट 0 to 9। बेटा 0 से लेकर 9 का इस्तेमाल करके 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, बताइए कैसे बनाएंगे? रिपीटेशन अलाउड है आपके पास, तो देखिए हमेशा आपको ना उन प्लेसेस को पहले भरना है जहां रिस्ट्रिक्शन है। आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या है बताइए मुझे? सबसे पहले तो हैंडर प्लेस, क्योंकि हैंडर प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो बताइए? हैंडर प्लेस को आप 9 तरीके से भर सकते हो, ठीक है? क्यों? इवन नंबर रिपीटेशन अलाउड है ना। उसके बाद आपका टेंथ प्लेस को, टेंथ प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्शन है आपकी, टेंथ प्लेस के ऊपर आप इवन नंबर बनाना है तो या तो आप 0, 2, 4 समझे गए ना, 6, 8, 5 डिजिट एप्लीकेबल है। और वन प्लेस पे आपको पूरी छूट है, आप कुछ भी लिख लीजिए 10 से 7, तो टोटल कितने आगे बताइए मुझे? अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये समझ जाना बस थोड़ी सी बात। बोलो भाई रजत, हाँ जी सॉरी, टेंथ प्लेस नहीं, वन प्लेस था, मैं गलती से नहीं लिख गया भाई, एक मिनट रखो, इवन प्लेस इवन है ना, मैं गलत कर गया भाई, एक मिनट रुको यार, मैं गलत कर गया, वन प्लेस गलती से मेरे दिमाग में वन प्लेस और टेंथ प्लेस में, वन प्लेस बेटा एक मिनट देखिए, आप सबसे पहले ये आपका कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, 9 तरीके से, क्योंकि यहां पर 0 नहीं आ सकता। उसके बाद आपका वन प्लेस, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है तो यहां 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8 कितने बन गए भाई? 5 लिखने में गलती रही है पहले वाले। अच्छा उसके बाद अब टेंथ प्लेस को फिलअप कर दो, अब टेंथ प्लेस को फिलअप कर दो, टेंथ प्लेस पे आप कुछ भी बच सकते हो 10, तो टोटल आपका वही आएगा, लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे रह जाएगा, टोटल आ जाएंगे 9 to 5 into 10। श्रीवास्तव ठीक है भाई, मैं चेक कर दिया अगर वो कई बार ठीक है कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है। सार्थक समझ आ रहा है भाई, कहां डाउट है इसमें? टेंथ वन प्लेस को क्यों भरा सबसे पहले? क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है, और इवन नंबर जब बनाओगे तो आप यूनिट प्लेस यानी कि वन प्लेस है आपका ये पहले फिलअप करोगे। यहां 9 तक के डिजिट में से 0 को छोड़कर सारे एलिजिबल हैं, यहां आपका 0, 2, 4, 6 और 8 5 डिजिट एलिजिबल हैं, और बाकी बच गया आपका कौन सा टेंथ प्लेस, ये आप यहां कुछ भी बता सकते हैं। आगे समझ? हाँ बेटा और पूछो, कौन पूछ रहा था? दिक्कत ये है कि आप लोग डेली काम नहीं करोगे ना तो काम नहीं चलता। और पूछो भाई रजत, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, करते नहीं हो तुम। अब वो टेंस वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन किए और उसके बाद छठा क्वेश्चन कल करके आप चले जाते,
अब आपको ज्यादा ज्यादा सीखना है। हाँ बताओ।